शादी की सारे बिकम में भी जो है कमियाँ हैं, वो ले लूँगा आराम से, उसको जो है वो कर लूँगा। पत्तियाँ चाहिए ठंडी है, एकदम ठंडी है, अच्छी खासी शबनम पड़ने लगी है। आज 25 अक्टूबर है, हाँ शायद जी आज 25 अक्टूबर है, तो अच्छी खासी जो है वो शबनम पड़ने लगी है। लेकिन ये है कि कुछ वो नहीं है, सब में जो है बर्ड्स अपेयर हो रही हैं, इसमें भी हो रही हैं, इसमें भी हो रही हैं, सब में ले लूँगा बर्ड्स में, और सब में करूँगा। मैं दिखाता हूँ आपको बड़ा वाला आरसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लांट्स लखनऊ। फीड दी थी लगभग मैंने 10 दिन पहले, याद नहीं है कब दिया था ना, मैं लगभग 10 दिन पहले दिया था, देख लीजिए। प्री डॉर्मेसी फीड जो है वो मैं देता हूँ, नाइट्रोजन कम देता हूँ, बहुत कम नाइट्रोजन दिया, सब में दिया है मैंने, सब में दिया है। कलियाँ भी अच्छी खासी माशाल्लाह से, ग्रोथ उतनी नहीं ले रहा हूँ मैं, उसको हार्ड कर रहा हूँ। फास्फोरस और पोटाश अच्छे से डाला है, पोटाश अच्छे से डाला है, सल्फ़र भी बाद में मैंने कल उसके थोड़ा सा स्प्रे किया है, माइट से बचने के लिए किया है स्प्रे, और थोड़ा सा सल्फर जो है वो पाले से काम करता है। थोड़ा सा डॉर्मेसी के साइन अभी नहीं है मेरे किसी भी प्लांट में माशाल्लाह से। सारे प्लांट्स जो है कंटिन्यू फ्लावरिंग कर रहे हैं, कंटिन्यू फ्लावरिंग कर रहे हैं, ये देख लीजिए, कोई वो नहीं है, अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत शोर है, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि नाइट्रोजन की अमाउंट कम रखिएगा, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, नाइट्रोजन का अमाउंट ध्यान कम रखिएगा, बाकी कुछ बाकी सब सही रहेगा। सब में माशाल्लाह फ्लावरिंग हो रही है, ये पिंक वाला है फ्लावर एक, अगर मैं समझ रहा हूँ सही वही है तो बहुत अच्छा है, फिर वो याद नहीं आ रहा मुझे कौन सा चाहिए। सारी फ्लावरिंग हो रही है सब में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको थोड़ा हेल्दी करना है, रिपोर्ट भी करना है, हेल्दी करना है, हो जाएगा सारे। सीड पार्ट तो माशाल्लाह से सब में टकाटक लगे हुए हैं, सीड पॉट तब हेल्दी आते हैं पेड़ में, वो लोग कहते हैं सीड पॉट नहीं आते हैं, आपको फीड देना पड़ेगा। अडेनियम जो है लिक्विड फीड पे डिपेंड करने वाला प्लांट है, आपको सॉलिड फीड से तो दीजिए दीजिए, लेकिन लिक्विड फीड आपको देना पड़ेगा, आपको आप उससे बच नहीं सकते, लिक्विड फीड देना पड़ेगा आपको। तो ये पेड़ है देखिए, शानदार चल रहा है, कहीं माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, एहसान और करम उसका कि अभी तक कोई भी डॉर्मेसी के साइन तो नहीं आ रहा है। देखेंगे जब आएंगे, तो कोशिश किया जा रहा है, इसमें भी कलियाँ आ रही हैं, नवंबर तक तो फ्लावरिंग होगी आराम से। ये है कुछ की लीफ कट की है मैंने, सारी सीडलिंग्स हैं, कुछ लीफ कट करने का और वीडियो बनाऊंगा मैं, क्यों करते हैं वो, कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, पर ये दिखाता हूँ मैं, ये है, क्योंकि दूसरे का घर नहीं दिखा सकता हूँ तो उधर जाके मैं शूट करता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट। इनको देख लीजिए, ये ओबेसम है, मदर प्लांट, लगभग 22-23 फलियाँ माशाल्लाह से अभी भी लगी हुई हैं, एवरेज 60 सीड समझ लीजिए, पकड़ लीजिए उसको, तो अभी भी चल रहा है, मैंने इसमें हैंड पॉलिश नहीं किया है, कहीं से भी कोई साइन माशाल्लाह से अभी भी डॉर्मेसी की नहीं दिखाई पड़ रही है, कहीं दिख रही है आपको, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है माशाल्लाह से, कहीं नहीं है। पत्तियाँ जबकि एकदम बर्फ हुई हैं, पत्तियाँ जबकि बर्फ हुई हैं एकदम से, आइए मैं दिखाता हूँ आपको, ये है मेरा, अच्छा खासा चल रहा है, थोड़ा सा हैंड पॉलिनेशन किया है मैंने, और कुछ टैगिंग भी की है मैंने, कुछ क्रॉस पॉलिनेशन करके इधर का उधर उधर का उधर किया है, तो बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक गलती मैंने कर दी थी, थोड़ा सा देर किया कि फंगीसाइड डालता हूँ मैं, जब कलियाँ आने लगती हैं तो मैं फंगीसाइड डालता हूँ, तो थोड़ा सा किया आरसीएन को मैंने क्रॉस किया है ओबेसम से, ये जो पीछे वाला है ओबेसम रखा है, इस ओबेसम का पॉलन लिया है मैंने और इस पर डाला है, इसका पॉलन इस पर नहीं डाला है, उसकी ये वजह है कि इसमें तो पॉलन था, दोनों में पॉलन है, लेकिन ये पेड़ जो है वाइग्रसली ग्रोथ कर रहा है, इसमें कम फ्लावर है, इसका मीडिया दूसरा है, तो इसमें सीड पॉल हेल्दी आएंगे, तो इसलिए मैंने इसमें किया है, देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। उसी लिए और भी मैंने हैंड पॉलिनेशन किया है सेम उसका पॉलन का, तो लेकिन इस पर मुझे लिखना पड़ा है, टैग करना पड़ा है मुझे कि ये आरसीएन क्रॉस ओबेसम है ये, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे कौन सी चीज़ निकलती है। एक पेड़ ये जा रहा है, जा नहीं रहा है, वो थोड़ा सा डॉर्मेसी की है, इसमें साइन शेड में रखा है,
पानी अच्छा सा गया तो नहीं है? नहीं गया नहीं है, बचा है अभी कुछ, कोई दिक्कत नहीं है उसको, बस ये है कि वो थोड़ा सा शेड में रखा, शेड में ही रखना चाहिए, धूप कम मिल रही है उसको, धूप कम मिल रही है। सल्फ़र आप डालते रहिए, सल्फ़र गज़ब की चीज़ है, 2 ग्राम पर लीटर जो है सल्फ़र का स्प्रे करते रहिए, पाले से बहुत हद तक बचाव हो जाता है। RCN की वैरायटी की एक और पहचान होती है कि RCN में ये न्यूट्रिएंट डिफिशेंसी भी होती है, लेकिन RCN में ये भी हो जाता है कभी कभी साइड में जो है फ्लैकिंग टाइप का थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन हो जाता है RCN की भी पहचान है कि उसके जेनेटिक उसकी एक चीज़ है। इसको मैंने ट्रिम कर दिया था, तो साइड की ब्रांचेस जितनी हैं देखिए सब शानदार निकल रही माशाल्लाह से, अब ये पेड़ बढ़िया निकलेगा, फरवरी में अपने लंगर पे आएगा पूरा। ये सारे पेड़ सेल के लिए रहेंगे, लेकिन मार्च से सेलिंग इसकी स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। अभी सेल करना इसको कुछ सही नहीं है, तो मार्च में कांटेक्ट कीजिए, मार्च में सेलिंग से माशाल्लाह से। इसमें भी डॉर्मेसी के कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, देख लीजिए। और इस सीट का एक और असर दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ तक अभी इस सीट को डालने के पहले यहाँ कोई कल्ले नहीं थे, इसमें देखिए ये देख रहे हैं आप, ये कल्ले आए हैं, अच्छे से कल्ले आ गए हैं, यहाँ तक अभी तक कोई कल्ले नहीं इतने से पड़ा हुआ है मेरे पास। ये पेड़ डबल ग्राफ्ट है, इसमें एक ये है तो चॉकलेटी कलर का है, और ये फूल बहुत देर में खिलता है, बहुत शानदार फूल खिला है, ये बहुत तगड़ा खिला है ये, और रंग भी काफ़ी चटक है इसका। तो ये इस सीट का थोड़ा सा कमाल है, इसको मैंने पाउच में ही रखा है इस वजह से क्योंकि मैं कॉडेक्स इसका फुलाना चाहता हूँ। क्रैंक आ रहे हैं यहाँ पे, ये क्रैंक आ रहे हैं तो इसका मतलब अंदर कॉडेक्स हो रहा है। इसका भी देख लीजिए हैंड पॉलिनेशन कर रखा है मैंने, और इसमें भी कलियाँ आ रही हैं अच्छी खासी। स्पीड और मसी फीड का मैं अपडेट दे रहा हूँ आपको, सीड पॉट्स फिर से लग चुके हैं इसमें, हैंड पॉलिनेशन ओपी नहीं है, और ये है इसमें भी कलियाँ हैं, यहाँ पर भी कलियाँ हैं, सब में कलियाँ हैं माशाल्लाह से, खिलेगा फूल, जाड़े में भी अपन खिलाएगा भाई, छोड़ेगा नहीं, ट्राई करते हैं। इसमें भी है अच्छी खासी ठीक ठाक ग्रोथ, पोटाश मैंने ज़्यादा डाला है इसमें, पोटाश रेजिस्टेंस पैदा करता है, इस वजह से मैंने डाला है पोटाश, नाइट्रोजन बहुत कम डाली है उसमें, जो NPK आधा चम्मच लिया था और कैल्शियम नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन रहा हो बस, बाकी नाइट्रोजन तो एकदम ना के बराबर डाला है। ये कलियाँ आ रही हैं तो जब तक ये खिलेगा तब तक मैं, अगर बाहर पाला पड़ा तो दिसंबर तक शुरू होता है फ्रॉस्ट, मैं इसको अंदर रख दूँगा, अंदर फ्लावरिंग ले लूँगा इसकी, अंदर फ्लावरिंग ले, अंदर हैंड पॉलिनेशन कर दूँगा, सिंपल, नो टेंशन। नहीं तो क्रॉप कवर आता है जो खुली फसलों में लगाया जाता है, मैं उसको लेके चलाऊँगा, उसको लगा दिया जाएगा।